हे गाइस, आई एम सीमा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कबाब। चिकन कबाब बनाने के लिए हमने चिकन ले लिया है, इसमें ज्यादातर बोन्स नहीं है, बोनलेस ही लिया है हमने। एज पर टेस्ट आप मिर्च पाउडर ले लें, थोड़ा सा बस 1/4 स्पून से कम हो भी कम गरम मसाला, हल्दी 1/2 स्पून, टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट और 1 स्पून जीरा पाउडर। हम चिकन में कॉर्नफ्लोर डाल लेंगे 1 स्पून, 1 स्पून राइस फ्लोर, और हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 स्पून, और हमने जो मसाले यहाँ पर रेडी कर लिए थे ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे, और हम इसमें एक लेमन स्क्वीज कर देंगे, एक लेमन को, और इसको सारे हमको मिक्स दे देंगे। हमने अच्छे से मैरिनेट कर दिया है चिकन को, इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे, हम इसको फ्रिज में रख देंगे। हमने इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दिया था, हम अभी इसको फ्रिज से निकाल लिया है। हम इसमें एग फोड़ कर डालेंगे और इस एग को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे फ्राई करने से जस्ट पहले ही एग ऐड करना है, ओवरनाइट एग को डालकर नहीं रखेंगे, हम फ्राई करने से पहले एग को इसमें मिक्स दे देंगे। हम ब्रेड ले लेंगे, ब्रेड के पीसेस कर लेंगे और इसे मिक्सचर जार में डाल लेंगे। हमने ब्रेड के पीसेस को पीस लिया है, हमने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिया है, अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। हमने यहाँ पर ऑयल गरम के लिए कढ़ाई में चढ़ा दिया है। ऐसे ब्रेड क्रम्स बनाकर फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, ऐसे पीस कर रख सकते हैं, जब भी आपको जरूरत है आप चिकन को फ्राई कर सकते हैं। अभी हम ब्रेड को इसमें डिप करेंगे और इसको रख लेंगे। ऐसे ही हम सारे पीसेस को डिप कर ऐसे ब्रेड क्रम से साइड में रख लेंगे। इस तरह से हम सारे ब्रेड क्रम्स को डिप कर चिकन में रख देंगे। बचे हुए ब्रेड क्रम्स को हम एयर टाइट जार में डालकर स्टोर कर लेंगे फ्रिज में, जब भी जरूरत हो हम यूज कर लेंगे। अभी हम चिकन के पीसेस को तेल में डालेंगे और इसे डीप फ्राई करेंगे। अभी हम इसको दूसरी तरफ से पलट लेंगे। चिकन बहुत टेस्टी रहता है, आप जरूर एक बार ट्राई कर देखें ब्रेड क्रम्स के साथ, नॉर्मल चिकन से भी बहुत अच्छा रहता है और बहुत ही आसान है बनाना। ब्रेड तो आसान से बाजार में मिल जाती है। मीडियम आंच पर फ्राई कर लें। मीडियम आंच पर फ्राई कर लें ताकि ये आसान से अच्छे से अंदर से भी पक जाए। हमारे ये चिकन के पीसेस पक चुके हैं, अभी हम इसको निकाल लेंगे और दूसरे वाले भी इसी तरीके से तल लेंगे। हमने इसको निकाल लिया है, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनता है ये, खाने में बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बहुत से शौक से खाएंगे, जरूर अपने घर में ट्राई करें। चलिए हम इसको सर्व करते हैं। हमने चिकन कबाब को सर्व कर दिया है, बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी बना है, जरूर अपने घर में ट्राई करें। जब भी ट्राई करें तो जरूर कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच। क्लिक लाइक बटन, क्लिक थम्स बटन एंड गिव मी लाइक एंड click bell icon so that you will be getting my next updates. Thanks for watching.